अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फाइव, आई होप यू ऑल आर फाइन। लेट्स स्टार्ट विद आर रिटन एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 3, हाउ एनिमल्स लिव। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन जूलॉजी एंड जूलॉजिस्ट, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में उसको जूलॉजी कहते हैं। एंड द पर्सन हु स्टडी इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी इज कॉल्ड ए जूलॉजिस्ट। और वो लोग जो जूलॉजिस्ट की फील्ड को पढ़ते हैं यानी एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं जूलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इज What are two main groups of animals? Animals के दो main groups कौन से हैं? Two main groups are vertebrates, यानी वो animals जिनकी backbone होती है, animals with a backbone. And number 2 is invertebrates, they are animals without a backbone. जिनकी बैकबोन नहीं होती यानी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। डिफाइन ब्रीदिंग, सांस लेना क्या होता है? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ऑक्सीजन को अपने अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को गिविंग ऑफ बाहर निकालना को कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। हाउ डू फ्रॉग ब्रीद, फ्रॉग किस तरह सांस लेते हैं? ऑन लैंड फ्रॉग्स ब्रीद थ्रू देयर लंग्स, फ्रॉग सांस लेते हैं जमीन पर लंग्स के साथ। अंडर वाटर दे ब्रीद थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, और पानी के अंदर वो सांस लेते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से। मॉइस्ट स्किन यानी उनकी जो स्लाइम सी स्किन होती है उससे वो सांस लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, दोनों एक ही क्वेश्चन है, ओके कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर रोडेंट्स, रोडेंट्स क्या है? रैबिट्स, रैट्स एंड स्क्विरल्स। रैबिट्स खरगोश, रैट्स चूहे और स्क्विरल्स यानी गुलहरियाँ। ने सीड्स एंड फ्रूट्स चबाना, कुतरना कहते हैं ने को, ठीक है? बीज और फ्रूट वो कुतरते हैं, दे आर रोडेंट्स, इसलिए उन्हें रोडेंट्स कहा जाता है यानी कुतरने वाले जानवर। व्हाट इज व्रिंकलिंग, स्नेक्स मूव बाय कर्विंग देयर बॉडी एंड पुशिंग इट अगेंस्ट द ग्राउंड। स्नेक यानी सांप जो है वो अपनी बॉडी को ग्राउंड पे पुश करके और कर्व करके इस तरह से चलता है ग्राउंड पे, ज़मीन पे, इसलिए उसको व्रिंकलिंग कहते हैं। दिस हेल्प्स द स्नेक टू स्लाइड फॉरवर्ड एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड व्रिंकलिंग। इसको रिंगना कहते हैं ज़मीन पे, ओके। डिफाइन माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या है? द मूवमेंट ऑफ एनिमल इन ग्रुप्स फॉर लार्ज डिस्टेंस टू फाइंड फूड एंड वाटर इज कॉल्ड माइग्रेशन। एक जगह से दूसरी जगह जब बहुत ज़्यादा जानवरों का झुंड खुराक और पानी की तलाश में डिस्टेंस को कवर करता है मतलब सफ़र करता है उसको कहते हैं माइग्रेशन यानी हिजरत करना। आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्यूरी इसमें हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे से। आई होप कि वैसे कोई नहीं होगी। एक्सरसाइज हमने ये डन की है बुक पे, ये बुक पे आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लें।
कल का लेक्चर अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, और मंडे का, ताकि आपको एक्सरसाइज रिटन जो है बुक की वो आपको समझ आ जाए और आपने अब तक वो कंप्लीट भी कर ली होगी, आई होप सो। ये बुक पे ही करनी है, नोटबुक पे नहीं करनी। नोटबुक पे सिर्फ 6 क्वेश्चन आंसर्स है, वो ही करने हैं। ध्यान से कीजिएगा कोई भी, और बहुत नीटली काम कीजिएगा। पहले भी अच्छे काम किए हैं आपने जो चेक करवाई है नोटबुक्स, अब भी नाइसली काम कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।